बहुत ही धमाका मचेगा अभी दोस्तों। क्यों? नहीं नहीं मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ मी 10 के धमाके की। कुछ दिनों पहले वन प्लस लॉन्च हुआ था एट प्राइस ऑफ 50 and 55,000 में प्रो। इसका मैंने रिव्यू दे रखा है, लेकिन इस फोन का मार्केट खाने आ गया है मी 10, तो फिर से झगड़ा होने वाला है हम सब में, जैसे कि हुआ था टेलर लॉटनर वर्सेस रॉबर्ट पैटिंसन, बराक ओबामा वर्सेस ट्रंप तात्या, सलमान खान वर्सेस शाहरुख खान। और कुछ याद आ रहा है तो कमेंट करके बताइएगा। तो अब होने जा रहा है मी 10 वर्सेस वन प्लस 8। सवाल तो वैसे कि वैसे ही होगा कौन सा बेटर है, क्योंकि भाई हम दोनों में सेम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसी सवाल का जवाब देने मैं ले आया हूँ आपके लिए ये कंपैरिजन। तो स्वागत है आपका टेक्नोसॉफिक में, मेरा नाम है सौरभ पवार। तो आइए शुरू करते हैं। कमाल की बात तो यह है कि शाओमी और वन प्लस दोनों कंपनियां आई थी फ्लैगशिप किलर बनके, जो कि फ्लैगशिप फ़ोन के जैसे प्रोसेसर्स में और इधर उधर स्पेसिफिकेशंस को कम करके कंज्यूमर फ्रेंडली प्राइस रेंज में फ़ोन लॉन्च किया करते थे। लेकिन अब किसी भी फीचर में कॉम्प्रोमाइज़ ना करते फ्लैगशिप फ़ोन ही लॉन्च कर गई। जी हाँ, इनको क्या कॉम्प्रोमाइज़, पैसों को तो लेके हमको ही करना पड़ता है कॉम्प्रोमाइज़। तो डिज़ाइन की बात करें तो दोनों ही फोन स्मार्ट फिनिश में आते हैं। चारों कर्व्ड कॉर्नर्स है, ट्रिकी कलर्स है, पंचोल डिस्प्ले है, वॉल्यूम रॉकर और पावर लॉक अनलॉक स्विफ्ट बटन कॉर्ड कैमरा सेटअप पीछे है। तो डिस्प्ले की बात करें तो दोनों के डिस्प्ले बेहद बढ़िया है। अगर स्पेक्स कंपेयर करें तो 6.67 फुल HD प्लस मी 10 में और 6.7 क्वाड HD प्लस डिस्प्ले मिलेगा वन प्लस में। डिफरेंस क्या है क्वाड HD और फुल HD का? तो क्वाड HD डिस्प्ले में फुल HD से बेटर पिक्सल्स और क्लैरिटी और कंट्रास्ट बहुत ही नेचुरल मिलता है। मी 10 अगर ये दिया होता इसमें तो बेटर होता था। वन प्लस यहाँ पे ये पॉइंट ले लेता है। इसके अलावा 90Hz स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिलती है मी 10 में और 120Hz रिफ्रेश रेट मिलती है वन प्लस 8 में। आपको तो पता ही है हाई एंड गेम्स में 120Hz बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन बैटरी ड्रेन करेगा जल्दी ही और 90Hz मॉडरेट सेटिंग्स में चल के बैटरी मॉडरेट ड्रेन करेगा। तो ये पॉइंट आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, क्योंकि 120Hz है तो फिर वो आइसक्रीम के ऊपर चेरी जैसा कुछ होता है। कैमरा को कंपेयर करें तो मी 10 में मिलेगा आपको 108 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा, 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2 मेगापिक्सल मैक्रो शूट कैमरा, 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग कैमरा। वही बात करो वन प्लस 8 की तो 48 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा, 48 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा, 5 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा। शाओमी को मेरा ये यहाँ पे सवाल है कि भाई क्यों एक 108 मेगापिक्सल का अच्छा कैमरा दे के, बाकी सब मिड रेंज के कैमरे दे के आप मैदान में उतर रहे हो टेलीफोटो लेंस 48 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा को कम्पीट करने? मतलब कंज्यूमर को पागल समझ रखा है क्या साला छोटी गंगा बोल के नाले? वन प्लस 8 ने कैमरा क्वालिटी और कैमरा में टेलीफोटो लेंस यूज करके यहाँ पे फिर जीता है एक और पॉइंट। सेल्फी कैमरा में मी 10 देता है आपको 20 मेगापिक्सल और वन प्लस देता है 16 मेगापिक्सल। यहाँ भी मी 10 आता है विदाउट इमेज स्टेबिलाइजेशन और वन प्लस आता है AIS के साथ, लेकिन ये पॉइंट मैं रिजर्व करूँगा क्योंकि मैंने ये टेस्ट नहीं किया है। लेकिन बुरा लग रहा है कि 50,000 दे के भी AIS नहीं मिलेगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों दे रहे हैं स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर और बेस वेरियंट देता है 8GB रैम और 128GB रोम। बैटरी इसका 4780mAh मी 10 का और 4510mAh वन प्लस 8 का 30W फास्ट चार्जिंग के साथ। तो यहाँ पे दोनों सेम है तो परफॉर्मेंस का पॉइंट तो बीच में लटकेगा, लेकिन IP68 सर्टिफिकेशन मिला है वन प्लस 8 को, यानी ये वाटर रेजिस्टेंट है और डस्ट रेजिस्टेंट है और मी 10 में कोई सर्टिफिकेट नहीं है। तो ये पॉइंट मिलता है वन प्लस 8 को, तो ये कमी रह गई मी 10 में
क्योंकि ये फ्लैगशिप फोन में आता है। कंक्लूजन तो ये होगा कि 5000 रुपीज दो और वन प्लस एट लो, क्योंकि ये ऑक्सीजन ओएस पे चलता है। MIUI जैसे प्राइवेसी के और एड्स की झंझट में आप फंसना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपने 50000 दे रखे हैं। Xiaomi के लिए एक बात, कमाल का ब्रांड MIUI को खराब किया है Xiaomi ने अपने एड्स और प्राइवेसी के इश्यूज के वजह से। मनु कुमार जैन कहते हैं डेटा इंडिया में ही रहता है, ग्लोबल Xiaomi कहता है कि डेटा थोड़ा बहुत हम लेते हैं चाइना में। तो इसी के साथ मुझे बताएं क्या ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, नीचे कमेंट एरिया में झगड़ा करें, गालियां दे और मुझे बताएं कि क्या है ये कमेंट्स, क्या ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगेगी, कौन सा फ़ोन आप चुनेंगे, वन प्लस एट या मी टेन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहे, हंसते रहे। जय भीम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय भारत। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.